नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज खबर बाराबंकी से। जैतपुर व कैसरगंज आसपास के गांव से मूर्ति विसर्जन के दौरान जगह जगह विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। भंडारे में हजारों माता के भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ उठाया। मूर्ति विसर्जन के पर्व पर स्थापित माता रानी की शोभा यात्रा जैतपुर के बीच धूमधाम से गाने बाजे के साथ विसर्जन किया गया। पूजा पंडाल से नगर दर्शन कराने व कल्याणी नदी तक जाने वाली भव्य शोभा यात्रा का जगह जगह आस्थावानों ने स्वागत किया। पुष्प वर्षा के साथ दर्शन करके आरती उतार कर वंदन किया। जय श्री राम और जय माता दी के उद्घोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। मूर्ति विसर्जन महोत्सव से पहले 9 दिन तक विधिवत पूजन अर्चन के पश्चात हवन पूजन के बाद विसर्जन के लिए देर सायं कल्याणी नदी पहुँच कर विसर्जन किया गया। आयोजनकर्ता में दुर्गा जागरण में धीरज जायसवाल, संजय गुप्ता, उमाकांत गुप्ता, श्याम कुमार जायसवाल, डब्बू जायसवाल, कृष्ण गोपाल सोनी, कौशलेंद्र शुक्ला, डॉक्टर श्रवण कुमार शुक्ला, छोटू यादव, संतोष चौरसिया, बंसी बाबा, नौमी लाल रावत, वहीं श्री दशहरा मेला एवं रामलीला कमेटी के दीपक निगम, शैलेंद्र जायसवाल, शौलेंद्र जायसवाल, राजन बक्सोर ने व्यवस्थाएं संभाली और भजनों को सुनने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। बांध चौबराहा, छोटी बाजार, बड़ी बाजार, थाना चौबराहा में किया गया प्रसाद वितरण का आयोजन। मुख्य मार्ग पर श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण किया गया। यहां से निकली माता की शोभा यात्रा में जैतपुर के विभिन्न पूजा पंडालों से निकली दुर्गा माँ की प्रतिमा शामिल हुई। बाद भव्य शोभा यात्रा निकालकर नगर भ्रमण कराया गया। जगह जगह लोगों ने भव्य स्वागत किया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर दिनेश गुप्ता, रामकिशोर गुप्ता, मदन गुप्ता, सुदेश मिश्रा, सत्येंद्र कुमार वर्मा, ताहिर अंसारी समेत अनेक लोग मौजूद रहे। बाराबंकी से मोहम्मद जुबैर की खास रिपोर्ट।